हेलो गाइस, मैं नरेंद्र बाजी आपके सामने एक नई वीडियो और बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है इस यूट्यूब चैनल की जो आपको बहुत पसंद आएगी। क्रोम जो हमारा इंटरनेट सर्फिंग यूज़र होता है, इसके काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं और इस क्रोम के पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ अच्छे और आपको जानने वाले फीचर्स लेके आए हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे कुछ अच्छे और बेहतरीन फीचर्स की तरफ। पहले तीन फीचर्स जो कि हमको एक ही जगह मिलेंगे, उन फीचरों पे जाने के लिए हमको chrome:// flags दबाना पड़ेगा URL बॉक्स में। काफ़ी सारे फीचर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, लेकिन इनमें से कुछ फीचर्स ही हैं जो हमारे ज़्यादातर काम आएंगे। उनमें से सबसे पहला फीचर है टैब ऑडियो म्यूटिंग UI कंट्रोल। ये मैक लिनक्स हर ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा जो कि क्रोम अप्लाई करता है, जिनमें क्रोम आते हैं। इस फीचर का मेनली एक ही काम है कि आप अगर दूसरे टैब में और आपको दूसरे टैब के साउंड बंद करनी है तो आप इसी टैब से उसको कर सकते हैं। टैब पे जाएं, लेफ़्ट क्लिक कीजिए, म्यूट टैब कर दीजिए, सिंबल आ गया, साउंड बंद हो गया। चलिए वापस आपको साउंड ऑन करनी है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, साउंड ऑन हो जाएगी और सिंबल हट जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे इसी बॉक्स में दूसरे फीचर की तरफ, जो कि क्या है, फास्ट टैब विंडो क्लोज। फास्ट टैब विंडो क्लोज पढ़ते ही पता लग जाता है कि असलियत में इसका काम क्या है। फास्ट टैब विंडो क्लोज का मेन काम है कि आपकी विंडो को इजीली क्लोज और ओपन करना, जो कि आपका कंप्यूटर अच्छा चलता है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं चलता तब ये आपको एनेबल करेंगे, तब ये चल जाएगा। स्मूथ स्क्रोलिंग हमारा तीसरा फीचर और बेहतरीन फीचर। इसको एनेबल मैंने कर रखा है और वैसे डिफ़ॉल्ट करके आता है, इसका वैसे कोई काम नहीं है, बट मेनली इसका ये काम होता है आप इजीली स्क्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन बिटवीन। चलिए ये हमारे थे कुछ पहले तीन फीचर्स। हमारे चौथे फीचर की तरफ जो कि है क्वाटा इंटरनल्स। इस क्वाटा इंटरनल पर जाने के लिए आपको chrome:// quarter internals दबाना पड़ेगा। क्वाटर इंटरनल हमारे ज़्यादातर यूज़ होता है कि हमारे डिस्क स्पेस और हमारे साइट्स के स्पेसेस और कितनी एरिया कौन सी साइट खाती है उस चीज़ के बारे में फुल डिटेल्स दे देगा आपको। ये हमारे कोई ज़्यादातर काम तो नहीं आता, बट इसका मेन काम यही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे एक और फीचर की तरफ जो कि हमारा फिफ्थ फीचर है, क्रोम एक्सपेरिमेंट। हमारा मान लीजिए हम सेमुलेशन मान ले या फिर सैटेलाइट कनेक्शन मान ले, जैसे हमारे चल रहे हमने क्लिक किया था रेडियो गार्डन। हमको ज़्यादातर क्या दिखाएगा कि हमारे लाइव चैनल्स कितने चल रहे हैं, सपोर्टिंग लाइव रेडियो स्ट्रीमिंग्स कर रहा है ये, कि हमारे वर्ल्ड में कितने, देखिए ग्रीन डॉट्स है वो हमको बताएगा कि हमारे कितने अभी रेडियो चैनल लाइव चल रहे हैं। इसके लिए काफ़ी अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जिससे आप वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे किसी भी एरिया का लाइव रेडियो कनेक्शन सुन सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अब अगला फीचर आता है, आपने देखा ही होगा कि कभी कभार हम गलती से कोई टैब बंद कर देते हैं और हो जाता है कभी कभार, तो हमारा उसको वापस ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+T, जो कि आपका वापस आपको टैब ले आएगा। आपको ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री में जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, लेके आएं। और चलिए बढ़ते हुए एक और फीचर की तरफ, ये हमारा सातवां फीचर है जो कि उस फीचर के पास हमको जाने के लिए chrome:// net internals पे जाना पड़ेगा। ये फीचर अच्छा है, हमको इसमें अपनी स्पीड डेंसिटी हर चीज़ के बारे में पता लग जाएगी। यहाँ पर वो हमको बताएगा कि हमारे कितना KBPS कितनी देर में यूज़ किया है। ये देखिए हमको दिखाने लग गया कि KBPS, ये URL रिक्वेस्ट, हर चीज़ के बारे में आपको अच्छे से बताएगा। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, बहुत सारे फीचर्स इसमें दे रखे हैं बट कोई काम के नहीं है, मतलब नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हमारे एक और
फीचर की तरफ, जो कि हमारा आठवां फीचर है। आप लोगों ने देखा है कि जानते भी हैं कि कंप्यूटर अपना एक अलग टास्क मैनेजर मेंटेन करता है, बट आपको पता है कि क्रोम भी अपना टास्क मैनेजर मेंटेन करता है। आपको इस चीज़ के लिए जाने के लिए मोर टूल्स टास्क मैनेजर, और यहाँ आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें खुल जाएंगी। देखिए मेमोरी, सीपीयू, नेटवर्क, प्रोसेसर, आईडी, ये आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल्स दे देगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने एक और नए फीचर की तरफ। देखिए हमने कभी कभार देखते हैं कि वीडियो प्लेयर्स हमारे पास बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन हमको एक ही वीडियो प्लेयर चाहिए, सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्रोम भी एक वीडियो प्लेयर है, जो कि किसी को नहीं पता, किसी ने इस चीज़ के बारे में आज तक कभी सोचा नहीं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि ये वीडियो प्लेयर कैसे है। प्ले करेंगे हम कोई सॉन्ग, देखिए गाना, साउंड बंद, साउंड चालू। ये एक और फीचर है जो कि हमारा 9 फीचर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 10वें फीचर की तरफ, जो कि है टी रेक्स। ये आपने काफ़ी बार सुना तो शायद ही होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर इस साइट पर अपन जाते हैं, लेकिन कभी हमने इस चीज़ के बारे में सुना नहीं कि ये असलियत में होता क्या है। देखिए अब हमको बताते हैं, जैसे कभी कभार आपका नेटवर्क एरर आ जाता है, नेटवर्क एरर आता है तो हमने कभी कभार देखा होगा 106 वाला, ये दिस डायनासोर, इसका असली नाम है टी रेक्स, और ये एक छोटा सा गेम है जो क्रोम ने हमको प्रोवाइड किया है। इस गेम को स्टार्ट करने के लिए हमको स्पेस बार दबाने की ज़रूरत है। ये देखिए गेम स्टार्ट हो गया, खेलिए, एंजॉय कीजिए, अच्छा गेम है। चलिए इसी के साथ हमारे